हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फॉर्म्स फिलअप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है, जहां आप वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा, जो सब्जेक्ट टू रिन्यूअल, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होंगे। इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पोस्ट नेम है, यहाँ वेरियस पोस्ट अवेलेबल है और 28 पोस्ट दिए गए हैं। वॉकिंग इंटरव्यू होंगे आपके 23 जून और 24 जून को, और ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है। इसके अलावा ये एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन जॉब्स के लिए ट्रस्टेबल भी है। पोस्ट डिटेल के बारे में यहाँ बात करें तो यहाँ अलग अलग पोस्ट के लिए पोस्ट वाइज वैकेंसी और वॉकिंग इंटरव्यू के डेट दिए गए हैं। जहाँ जनरल मेडिसिन के लिए है 6 पोस्ट, जहाँ 24 जून को इसके इंटरव्यू होंगे। जनरल सर्जरी के लिए है 3 पोस्ट, जो 24 जून 2022 को इसके इंटरव्यू होंगे। ऑर्थोपेडिक के लिए है 3 पोस्ट, 24 जून 2022 को इसके इंटरव्यू होंगे। स्किन वालों के लिए है 1 पोस्ट, जहां 23 जून 2022 को इसके इंटरव्यू होंगे। ऑप्शन गार्निक के लिए है 2 पोस्ट, जहां 24 जून 2022 को इसके इंटरव्यू होंगे। एनेस्थीसिया वाले को है 6 पोस्ट, 23 जून 2022 को इसके इंटरव्यू होंगे। पैथोलॉजी के लिए है 1 पोस्ट, 23 जून 2022 को इसके इंटरव्यू होंगे। रेडियोलॉजी के लिए है 1 पोस्ट, 23 जून 2022 को इसका इंटरव्यू होंगे। पीडियाट्रिक्स के लिए 2 पोस्ट, जहां 24 जून 2022 को इसके इंटरव्यू होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहां बात करें तो जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, स्किन, ऑप्शन गायनिक, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और रेडियोलॉजी वालों के लिए क्वालिफिकेशन यहां रखी गई है। एमबीबीएस विथ पीजी डिग्री, डीएनबी, डिप्लोमा इन कंसर्न स्पेशलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में यहाँ बात करें तो रेडियोलॉजी के लिए 70 साल तक का एज लिमिट रखा गया है। इसके अतिरिक्त बाकी जो पोस्ट दिए गए हैं उसके लिए 45 साल तक का एज लिमिट होना चाहिए। इसके अलावा एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सैलरी के बारे में यहाँ बात करें तो रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपकी सैलरी होंगे 1,30,797 पर मंथ, और इसके अतिरिक्त जो बाकी पोस्ट दिए गए हैं उनकी सैलरी होगी 67,700 पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसीजर होंगे आपके इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बेस। अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाना होगा। वहां रिक्वायरमेंट के बटन को क्लिक करना है, जहां आपको फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, इसके बाद फिल करके इसके साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी और फोटोग्राफ अटैच करना है। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए इंटरव्यू के डेट पर जाकर आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। पोस्ट से जुड़े सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसी तरह चैनल पर बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।